तो अब आई ना, एक मिनट। हाँ हाँ जी हाँ जी, चलिए थोड़ा सा थोड़ा पीछे चलिए। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि पार्टी में आओ, पार्टी में आओ, आप लोग आए आखिर यहाँ पे। मुझे अच्छा नहीं लगता। यू हैज बीन ऑलवेज काइंड टू अस, दैट्स व्हाई। यू हैज बीन ऑलवेज काइंड टू अस, दैट्स व्हाई। बट देना थोड़े काइंडनेस आप लोगों को भी दिखानी चाहिए ना। हम लोग बाहर कोई इसी के लिए बाहर ही थे, सब बाहर ही कुछ नहीं किया हमने अब तक। पर मुझे ऐसे देख के वैसे बुरा लगा कि मुझे वापस भेजना पड़ रहा है, बट नो नो दैट्स दैट थोड़ा सा इट्स अ वेरी ये भी क्लब। मैंने ज्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया, ये बहुत ही क्लोज फैमिली फंक्शन है, पर आप लोग भी फैमिली हो, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो बाइक चाहिए मैं दे देती हूँ, और फिर आप लोग भी आराम करिए, हम भी एंजॉय करते हैं। अब परसों मिलेंगे पक्का। सबको मैंने पर्सनली इनवाइट भेजा है सबके चैनल्स पे। अरे बुलेट चलो चलो बुलेट हटाओ, बूम माइक हटाओ, किसी मोबाइल पे इतना हिलडुल क्यों रहे हो यार? एक मिनट यार, होल्ड, एक सेकंड। अभी तो आया हूँ मैं, बहुत भाग दौड़ थोड़ा पीछे ले, जब निकलेगा ना लो लो, आप लो पहले, आप देखो मेरी हीर। ओके यल गो विल फिनिश दिस। व्हाई ओ ईच हाउ मेनी ओ माय गॉड, कल पे सो गया भाई? होल्ड होल्ड होल्ड, बाय बस हो गया। ओके थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दे। सबसे पहले तो शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे शादी के? पहला फंक्शन है आज मेहंदी और संगीत का। हां एक्चुअली पहला फंक्शन नहीं है, लेकिन हां पहला जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं। इससे पहले एंगेजमेंट हुई है, उसके बाद हल्दी हुई है, और अब मेहंदी हुई है। और बहुत पेशेंस चाहिए मेहंदी लगाने के लिए। बाप रे, 2 बजे से मैं बैठी थी, एटलीस्ट आई थिंक 6 घंटे लगे हैं। तो मुझे जब 6 घंटे लगे मेहंदी लगाने में, तो ये समझ में आया कि हाँ आज मेरी मेहंदी है। सुबह हल्दी हुई, क्या कहना चाहेंगे? इतने अच्छे इमोशनल मोमेंट्स रहे, कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? मैं एक्चुअली सुबह बहुत इमोशनल हो गई थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझे हल्दी लगाते लगाते रो पड़ी, तो मुझे भी रुला दिया। एंड मुझे सारे रस्म ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने सलभ को पहले ही कहा था कि मैं शादी चाहे बड़ी करूं या छोटी करूं, मैं रस्म जो भी है वो हर एक करना चाहती हूं, तो मुझे ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब हमने एंगेजमेंट की तभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हल्दी भी मुझे बहुत मज़ा आया। सिर्फ मेरी हल्दी नहीं थी, जितने लोगों ने मुझे हल्दी लगाई मैंने सबको हल्दी लगाई है बदले में। सो इट वाज टू मच ऑफ फन। एंड अब हो रही है मेहंदी। मेहंदी आपकी बड़ी अच्छी लगी, प्लीज सर कैमरा में दिखा सकते हैं आपकी मेहंदी? ये है, अगर ऐसे दिखाऊंगी तो थोड़ा उल्टा लगेगा। तो काफ़ी कुछ लिखा है मैंने, यहाँ पे काशा लिखा हुआ है, यहाँ पे SNK लिखा हुआ है, यहाँ गणपति का मंत्र है, और यहाँ पे गणपति का फेस भी है। तो और कई इसमें कहीं शलभ का नाम भी है जो मुझे भी नहीं मिल रहा, सीरियसली। तो थोड़ी डिटेलिंग मैंने की थी अपने फंक्शन के पहले, मैंने मेहंदी वाली का बहुत सर खाया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो वो कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग है इसमें। एंड देखते हैं हम कलर कैसे आता है। मैं यही कह रहा था, बहुत बढ़िया किया है जिसने भी काम किया है, एंड यू नो जो डिटेलिंग की है बहुत बढ़िया काम है।
और अब मेरा काम है इसमें शलभ ढूंढना, तो मुझे पता है अब इसमें सारे शलभ के अक्षर ढूंढने हैं मेरे को इसमें। It will be. ये बहुत कमाल तरीके से लिखा है, अगर आप लोग भी ढूंढे आपको भी नहीं मिलेगा, बहुत कमाल तरीके से लिखा है। ये हमेशा ही करते हैं, हमेशा ही करता हूँ मैं, हमेशा सबके साथ। ऐसी थोड़ी ना शादी कर रही हूँ मैं। कल आप गुरुद्वारा में भी गए थे, थोड़ा सा कुछ बताना चाहिए उस रिंग सेरेमनी वहाँ पर हुई, थोड़ा कुछ वो बताना चाहिए। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और हम चाहते थे कि हमारी शादी और एंगेजमेंट दोनों ही या मंदिर में हो या गुरुद्वारे में हो। तो कल गए थे और हमने मत्था टेका और रिंग्स एक्सचेंज की और बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये अपने घुटनों पर चले गए थे जो मुझे नहीं पता था और इन्होंने बाकायदा मुझे प्रपोज किया है। एक्चुअली कल प्रपोज डे था तो मैंने उस मौके का फायदा भी उठाया और मुझे लगा शायद यहीं पे अगर ये मना कर देगी तो क्या होगा, बट मैंने थोड़ा सा वक्त लिया हाँ बोलने के लिए, लेकिन फिर कह दिया। लास्टली लुक के बारे में प्लीज बता देंगे आप? मैंने अपनी डिज़ाइनर जो यहीं पे एक्चुअली अनुराधा, मैंने उसका बहुत सर खाया था और मैं चाहती थी कि सारे लहंगे पहनूं मैं, क्योंकि साड़ीज़ मैं पहनती रहती हूँ, हर साल गणपति में साड़ीज़ पहनती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं फील लूं अपनी शादी का और मैं सारे लहंगे पहनूं, लेकिन हर लहंगा अपने आप से अलग होना चाहिए। तो क्योंकि ये मेहंदी है तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो जिसमें दुपट्टा ना हो और कम्फर्टेबल हो और एट द सेम टाइम बहुत बढ़िया भी लगे, तो ये मैंने सोचा था। और मुझे कुछ चमकीला चाहिए था तो, और मिरर वर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये रहा मिरर वर्क। और कुछ ऑब्वियसली अनुराधा का भी दिमाग है, मैंने सिर्फ उससे बताया था कि मुझे क्या चाहिए, तो ये अनु का कमाल है, दैट्स इट। और कल जो लहंगा होगा वो अलग होगा, परसों जो होगा वो अलग होगा, तो तब आप बताना कि कितनी मेहनत की है मैंने और सही किए कि नहीं। थैंक यू सो मच। एंड मेरी हर मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं आप सब, मेरी खुशी का हिस्सा बनने आप सब आए हैं। मैं हाथ तो नहीं जोड़ सकती, थोड़ा जोड़ने की कोशिश करती हूँ। आप सबको बहुत 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 शुक्रिया। एंड आप सब आइए और मुझे दुआ दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। परसों मिलते हैं। यस सर, गुरुद्वारे में अलाउड नहीं होगा। ए मेरे पापा, मनोज को केवल पीछे, अरे और पीछे आना दादा, रवि थोड़ा पीछे आना भाई, और पीछे करने दो, एक मिनट रुक जा, तू भी खुल नहीं आ रहा, अभी जरा और पीछे, और पीछे मैडम जी, एक मिनट गेट चलो बुलेट पहले वायर निकाल दिया था, देख ले चलो भाई, चलो चलो बस भाई, चलो 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 भाई, चलो 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 गेट गेट का ले लो, चलो फालतू में मतलब मैंने अरे भाई ना, एक मिनट, हाँ हाँ जी, हाँ जी, चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि पार्टी में आओ आप लोग आए आखिर यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगता।